असल में वी लुकअप फॉर्मूला। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वी लुकअप फॉर्मूला ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल बिगनर के लिए है। बिगनिंग जो इसकी जो बिल्कुल भी वी लुकअप फॉर्मूला नहीं जानते हैं, और अगर जानते हैं तो इसकी बारीकियाँ वो आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद आपको कभी भी वी लुकअप फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वी लुकअप फॉर्मूले में क्या होता है कि वी लुकअप हमारा वर्टिकल लुकअप करता है। अभी मैं आपको वी लुकअप के बारे में बताता हूँ। पहले मैंने शीट टू में यहाँ पे लिख रखा है, जैसे आप देख रहे हैं, ये वी लुकअप जब भी आप फॉर्मूला लगाते हैं, जो भी आप फॉर्मूला लगाएंगे वो इक्वल के साइन से लगाएंगे। और इसमें आपको सेल नेम ये सब पता होने चाहिए कि ये कौन सा हमारा कॉलम है और कौन सी इसमें रॉ है और सेल नेम क्या है। जैसे ये वाला सेल सी और इधर से टू है। तो मैं बताऊं आपको कि लुकअप वैल्यू सबसे वी लुकअप फॉर्मूले में चार चीज़ें पूछी जाती हैं। वी लुकअप फॉर्मूला हमसे चार चीज़ें पूछता है कि लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। तो इसमें क्या है, लुकअप वैल्यू का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है। आप देख रहे हैं, ये मेरा एक टेबल है जहाँ पे एम्प्लॉई आईडी है, नेम है, डेजिग्नेशन, जेंडर, एब्सेंट, प्रेजेंट और हाफ डे। ये टेबल छोटा या बड़ा भी हो सकता है। इसकी मैंने आपको छोटे टेबल में इसलिए बताया कि आप आसानी से समझ जाएं, उसको फिर बड़े टेबल में भी आप अप्लाई कर सकें। और इस फॉर्मूले को लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्लिप बनाई है जिसमें एम्प्लॉई आईडी है, नेम है, डेजिग्नेशन, जेंडर, एब्सेंट, प्रेजेंट और हाफ डे। तो इसमें हमें ये डेटा पूरा, ये वाला जो टेबल का डेटा है हमारा, वो सब हमने यहाँ पे इस स्लिप में लेना है। तो कैसे लेंगे हम, तो मैं आपको बता रहा था वी लुकअप में लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या होती है, जिस वैल्यू के जरिए से आप पूरा डेटा निकालना चाहते हैं वो लुकअप वैल्यू कहलाएगी। और एक चीज़ आप ध्यान रहे कि जो आपका टेबल है उस टेबल में पहले कॉलम में वो लुकअप वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपकी पहले कॉलम में नहीं है, दूसरे कॉलम में है, तीसरे कॉलम में है, तो आपको या तो डाटा वहीं से डेटा टेबल लेना पड़ेगा या फिर आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। वी लुकअप की जगह आपका फॉर्मूला इंडेक्स और मैच का लगेगा। और वी लुकअप फॉर्मूले में इसके बाद आता है टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब होता है जहाँ से आपने अपना डेटा उठाना है, यानी जिस डेटा, जिस जगह से हमने इस टेबल में से जो डेटा लेना है यहाँ पे, ये हमारा डेटा टेबल आ जाएगा। इसके बाद आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे इंडेक्स नंबर दिए हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा और यहाँ से सातवें तक, तो आपका जो कॉलम नंबर होगा इसी के अकॉर्डिंग होगा। अच्छा, ये कॉलम में ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ए में आ रहा है तो वो पहला ही होगा या बी में आ रहा है तो पहला होगा या दूसरा ही होगा। इसमें क्या है, अगर आपका टेबल यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, पहला आपने ब्लैंक छोड़ रखा है, तो टेबल का कॉलम पहला ये वाला होगा जो बी वाला होगा। उसी के अकॉर्डिंग आपके टेबल यहाँ पे कॉलम नंबर चेंज होंगे। और इसके बाद तीसरा है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है ट्रू, एक आता है फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली मैच और फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। तो ट्रू इसमें हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ट्रू में ये आपको सही आंसर नहीं देगा। फॉल्स में इसमें क्या है, आपको एग्जैक्ट मैच देगा बिल्कुल, यानी बिल्कुल शुद्ध आंसर देगा। अब मैं आपको फॉर्मूला शुरुआत से बताऊंगा। शुरू करने के लिए सबसे पहले आप इक्वल का साइन ले लेंगे, उसके बाद लिखेंगे वी लुकअप, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो इसमें पूछेगा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू ये वाली हमारी लुकअप वैल्यू होगी जिसके जरिए से हम पूरा डेटा यहाँ से लेंगे, कोमा, टेबल, टेबल अरे जो होगा इसमें हमारा ये पूरा का पूरा टेबल हो जाएगा, यानी जहां से हमें डेटा लेना है, कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, जैसे एम्प्लॉई नेम ऑफ एम्प्लॉई है, पहला आईडी का है, दूसरा एम्प्लॉई का है, तो मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे टू टाइप करेंगे हम, कोमा। आप जैसे ही नीचे का कोमा लगाएंगे, ये अलग अलग वैल्यू जो हमसे पूछता है, सबसे पहले लुकअप वैल्यू, फिर टेबल, फिर कॉलम इंडेक्स, अब पूछेगा आपको रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में दो चीज़ें पूछेगा आपकी, जैसे आप लगाएंगे कि ट्रू और फॉल्स। ट्रू में क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली मैच, और फॉल्स में होगा एग्जैक्ट मैच।
तो मैं यहाँ पे फाल्स ले लूंगा या फिर मैं यहाँ पे जीरो ले लूंगा। तो मैं फिलहाल फाल्स लिख देता हूँ, यहाँ एंटर करूंगा। तो आप देखेंगे थ्री नंबर पे जो एम्प्लॉय होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। फॉर्मूला लगाने का एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ। फॉर्मूला टैब में आ जाएंगे, ये देखेंगे आप, फॉर्मूला टैब है ये, इसमें आ जाएंगे और इंसर्ट फंक्शन, ये सबसे शुरू में ही होता है, इंसर्ट फंक्शन में आ जाएंगे। और इंसर्ट फंक्शन करने के बाद आप यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाना चाहते हैं वो पहले टाइप कर देंगे वी लुकअप, और उसको गो कर देंगे। गो करने के बाद आपको लुकअप से संबंधित वैल्यू फॉर्मूले मिल जाएंगे। खाली लुकअप है, एच लुकअप है, वी लुकअप है, इफ भी दे रहा है। वैसे वी लुकअप हमने फाउंड करा है, वी लुकअप हमने जो है वी लुकअप लगाना है, तो वी लुकअप को ओके कर लेंगे। तो मैंने ये ले लिया है वी लुकअप फॉर्मूला। इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू ये हो जाएगी मेरी, और ये मेरी पहले कॉलम से आ रही है, ये भी ठीक है। अगला पूछ रहा है इसने टेबल अरे, तो टेबल अरे मेरा ये वाला है, इसको पूरा सेलेक्ट कर लूंगा मैं। तीसरा पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो डेजिग्नेशन का जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो तीसरा है, तो मैं यहाँ थ्री टाइप कर दूंगा। और रेंज लुकअप के लिए अगर मुझे फाल्स लेना है तो मैं जीरो भी ले सकता हूँ। तो आप देखेंगे ये थ्री, ये डेटा हो गया, ये थ्री कॉलम नंबर हो गया इसमें, और ये फाल्स आ गया जीरो से। आंसर भी यहाँ दिखाएगा आपको मैनेजर, ओके करेंगे आप, तो थ्री नंबर पे क्या है मैनेजर, ये आ गया। इसी तरह से आप जेंडर ले लेंगे चाहे तो आप फॉर्मूला। अब हम यहाँ से रिसेंट में भी आ सकते हैं, आप देख रहे हैं रिसेंट में, रिसेंट में आएंगे तो आपको ऊपर से ही दिखाई देगा वी लुकअप। वी लुकअप में आ गए, लुकअप वैल्यू एक बार फिर वही हो जाएगी। और टेबल अरे, ये हमारा टेबल अरे हो जाएगा। टेबल अरे आपका इधर से भी बड़ा हो सकता है, इधर से भी, ये तो मैंने छोटा लिया है। आपको जितना बड़ा टेबल है आप पूरा सेलेक्ट कर लेंगे उसको। कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि मुझे जेंडर लेना है तो जेंडर के लिए मेरे पास चौथा कॉलम है ये। और रेंज लुकअप मैं ले लूँगा जीरो, ओके करूँगा। तो आप देखेंगे ये हमारा वी लुकअप का फॉर्मूले ने आंसर दे दिया कि ये फीमेल है। अब मुझे लेने हैं अब्सेंट, प्रेजेंट और हाफ डे। अब्सेंट, प्रेजेंट, हाफ डे के लिए मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले को मैं चाहूँ तो इसमें कॉपी करके इसके कॉलम नंबर बदल दूंगा तब भी काम चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूले में डबल क्लिक किया और फॉर्मूले को सेलेक्ट किया। इक्वल का साइन मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद होम में आए और सिंपल आपने कॉपी कर लेना है इसको। कॉपी करने के बाद यहाँ फॉर्मूले में आपने एंटर मार दिया। अब सेंड में आए, इक्वल का साइन लिया और कंट्रोल वी से आपने पेस्ट कर दिया। लेकिन मुझे चौथा कॉलम नहीं चाहिए, मुझे पांचवा चाहिए। तो मैं इसमें यहाँ पे जहाँ जीरो से पहले जीरो, फिर कोमा, फिर उसके बाद जो फोर है उसकी जगह मैं फाइव कर लूँगा। तो आप देखेंगे ये अपसेंड आ गई इसकी, एम्प्लॉय थ्री की। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी ला के कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगा। और जहाँ मैंने पांचवा लिया था, अब मुझे प्रेजेंट के लिए छठा लेना है तो मैं सिक्स ले लूँगा। इसी तरह से आप हाफ डे में बराबर कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे और यहाँ पे मैं सातवा ले लूँगा। तो आप देखेंगे कि ये पूरी इनका डाटा निकल के आ गया है, एम्प्लॉय थ्री। चलो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले नंबर वन डालते हैं। नंबर वन में आप देखेंगे कि एम्प्लॉय वन है, मिला लेते हैं इसको। स्टेनो है, मेल है, तीन अब्सेंट हैं, 22 प्रेजेंट हैं, एक हाफ डे है। एम्प्लॉय फाइव में लेते हैं, तो फाइव में देखेंगे एम्प्लॉय फाइव है और ड्राइवर है, एम है, मेल है, दो ऑब्सेंट हैं, 24 प्रेजेंट हैं और हाफ डे जीरो है। तो दोस्तों ये था वी लुकअप फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ वी फॉर्मूला आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिससे हमारे आपको आने वाले वीडियो भी मिल जाएं। और साथ ही साथ बेल बटन ज़रूर दबाएं आप, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।